नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी कैंडल स्टिक होगी बुलिस इनगल्फिंग। अगर आपने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी है फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊंगा। बहुत सारी जगह पर आपने कैंडल स्टिक की वीडियो देखी होगी, वो कॉपी बुक स्टाइल में होगी, जो किताबों में बताई जाती है वो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊँगा कि इस तरीके से ये वर्क करता है। मैंने पहले भी करीब 4-5 साल पहले मैंने बनाई थी कैंडल स्टिक की वीडियो, लेकिन तब में और अब में थोड़ा सा फर्क हो गया। फर्क ये हो गया कि पहले स्टॉक्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते थे और बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स में लोग कम ट्रेड किया करते थे। अब ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में शिफ्ट हो गए हैं, स्टॉक्स में लोग कम करते हैं। तो यहां पे कैंडलस्टिक में जो थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस जगह पर फॉलो करना है। देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि कैंडलस्टिक को आप किस जगह पर फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग हर जगह पर बुलिस इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, मोरू बोजू, हर कैंडल हर जगह पर ढूंढने से काम नहीं होता है। स्पेसिफिक जगह पे बनेगी तब आपके लिए वर्क करेगी। ये ऐसे वर्क नहीं करेगी कि ये जैसे मार्केट ट्रेंड में नहीं चल रहा, मार्केट साइडवेज चल रहा, उसमें जाके आप बुलिस इनगल्फिंग ढूंढोगे, हैमर ढूंढोगे, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। इसके लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है। किसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है, किसके लिए कंटिन्यूशन मार्केट चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। आज मैं बुलिस इनगल्फिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, कल बेरिस इनगल्फिंग की डालूंगा तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये 10-15 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट अगर आप टाइम देते हैं फिर पे प्रैक्टिस करते हैं तब ये चीजें समझ में आएंगी। आपने ये सोचा कि आपने कैंडल स्टिक तो देखी है तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, शायद बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। जो आपको सूट हो शायद वो नहीं कर रहा, ये आपको शायद सूट करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक में, देखिए बेरिस इनगल्फिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बात तो बेरिस इनगल्फिंग हम तब फॉलो बुलिस इनगल्फिंग हम तब फॉलो करते हैं जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। पहली कंडीशन यही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कैंडल स्टिक, मान लीजिए मैं बना के चलता हूँ और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू। मैं ये भी बताऊँगा कि डेली चार्ट पे कैसे फॉलो करना है, बैंक निफ्टी में कैसे फॉलो करना है और स्टॉक्स में कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो बाद में आप निकल के चले जाओगे आधी वीडियो देख करके और स्टॉक्स वाली चीजें मैं बताऊंगा तो वो आप जाके बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, फिर आप ट्रैप हो जाओगे, फिर आप बोलोगे यार मैंने कैंडलस्टिक की वीडियो तो देख ली लेकिन फिर भी मैं ट्रैप हो रहा हूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, सक्सेस रेट जो होगा ना वो आपका 70 से 80% ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर जगह दो कंडीशन आप मान के चलिए कि 2 से 3 आपके SL होने ही वाले हैं, ये हमेशा मान के ही ट्रेड कीजिएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जिस दिन आप ट्रेड करेंगे मार्केट उस दिन आपका सारा पैसा लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80% आप मान के चलिएगा कि 7 से 8 ट्रेड मेरे चलेंगे, 2 से 3 ट्रेड मेरे SL भी होंगे, तो उसके लिए भी तैयार होगा। लेकिन ये 2 से 3 ट्रेड SL सही जब आपने सही जगह पे ट्रेड लिया है तब की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके घुस के ट्रेड ले रहे हो फिर आप देख रहे हो कि इसका सक्सेस रेट 70-80% होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले चीज तो ये होगी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट कंटिन्यू यहां पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है। जितना अच्छा डाउन ट्रेंड, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, किसी भी रिवर्सल पैटर्न के लिए ना उतना अच्छा ट्रेंड पहले होना चाहिए जो अगेंस्ट ट्रेंड होता है। मान लीजिए हम बुलिस इनगल्फिंग ट्रेड करेंगे तो बुलिस इनगल्फिंग के लिए क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए डाउन ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और यहाँ पे ऐसा देखने से ऐसा लग रहा हो कि सेलर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सेलर को लग रहा है कि सेलर की पूरी कंट्रोल में और ये नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये फीलिंग आपको आएगी कि यार ये रिवर्स होगा ही नहीं, उसी समय क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस जगह पर। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा असर, पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे देखना है, स्टॉक्स में कैसे देखना है और डेली चार्ट में क्या फॉलो करना है। पहले बेसिक कंडीशन को आप समझ लीजिए, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या करना है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ पे दो कैंडल बनेगी। बुलिस इनगल्फिंग जो है दो कैंडल का पैटर्न है, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी जो छोटी होगी और दूसरी यहाँ पे ग्रीन बनेगी जो बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। इसके अंदर ये रेड कैंडल इनगल्फ हो जाएगी, यानी इस रेड कैंडल को ये ग्रीन वाली कैंडल कवर कर लेगी। मान के चलिए कि अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको ये वाली कैंडल नहीं दिखेगी, सिर्फ ये वाली कैंडल ही दिख रही है, तो ये मान लीजिए इनगल्फ हो गया। क्या किया है इसने, इनगल्फ कर लिया, इसीलिए इसका नाम है बुलिस इनगल्फिंग। पहले ट्रेंड डाउन था, सडनली यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ। देखिए ये डाउन ट्रेंड, यानी जो कैंडल रेड कैंडल बनी है छोटी वाली ना, उससे भी नीचे मार्केट गया, मार्केट एक बार उससे भी नीचे यहां पे गया और जाने के बाद ये ऊपर आके क्लोज करके यहां पे इस पूरी कैंडल को कवर कर लेता है। यानी पूरे जो ये डाउनफॉल है इस कैंडल का, इस कैंडल का ये डाउनफॉल पूरी तरह से ये कैंडल कवर कर लेती है, तो ये कैंडल हो गई बुलिस इनगल्फिंग। ध्यान रखिएगा जो ये ट्रेंड चल रहा हो ना, उस ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये बुलिस इनगल्फिंग की जो ग्रीन कैंडल हो ना वही होगी। इस कैंडल का, रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए, इससे वीक या बॉडी, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वीक इसकी बाहर होगी चलेगा, कोई भी पार्ट, मतलब ये कैंडल, देखो ये कैंडल क्या होगा, ये इसकी बॉडी है,
ये इसकी विक है, तो बॉडी और विक मिला के कैंडल बनी। तो कैंडल का कोई भी पार्ट इस ग्रीन कैंडल के पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, हो सकता है इसके विक के अंदर में कुछ चीज़ें आ जाए वो चलेगा, लेकिन इस ग्रीन इसके हाई और इसके लो से बाहर इसका ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। ये ध्यान से सुनो, ये जरूरी है कि ये कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ हो, ये कैंडल पूरी तरह से ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ढका हुआ हो, इस रेड कैंडल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, तब हमारी ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, यहाँ पे ट्रेंड पहले डाउन था, डाउन ट्रेंड के बाद में छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ये हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिली। अभी एंट्री के लिए कंडीशन क्या है, एंट्री के लिए कंडीशन यहाँ पे ये है कि सेकंड लास्ट की जो कैंडल है, जो रेड कैंडल के पहले वाली रेड कैंडल बनी है ना, मार्केट जब उसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि कितनी कैंडल आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल निफ्टी में फॉलो करनी है, स्टॉक्स में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल डेली चार्ट पे फॉलो करनी है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो हमारी एंट्री कब होगी, जब हम इस कैंडल के ऊपर यानी जो सेकेंड लास्ट कैंडल है इस कैंडल के ऊपर निकलेंगे तब हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और जब हमने एंट्री यहाँ पर कर लिया तब हमारा ये SL हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट SL, यानी लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए अगर लोवेस्ट पॉइंट इसका 100,000 रुपये है तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे 9999 का, यानी एक पॉइंट नीचे। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो एक पॉइंट नीचे रख लीजिएगा, 500 का स्टॉक्स है तो 50 पैसे नीचे रख लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी जैसे हम 10-20 हज़ार का बैंक निफ्टी हमारा 40,000 का है तो यहाँ से 10 पॉइंट से 12 पॉइंट इसके नीचे आपको SL रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल नहीं रखना, इसके थोड़ा सा नीचे रखना है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट और नीचे रखने का, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, तो 10 पॉइंट नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट नीचे रखिएगा SL का, किसके इस लो के 5 से 7 पॉइंट नीचे आपको SL रखना पड़ेगा अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमारी ये एंट्री यहां पे कैसे होगी, एंट्री जब इस कैंडल के हाई को क्रॉस होगा तो ये हमारी एंट्री यहां पे बनेगी। ठीक है, अब एंट्री में कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर सेकंड कैंडल ने ही एंट्री दे दी तब तो ठीक है कि सेकंड कैंडल ने एंट्री दी, हमने ये एंट्री ले ली, ये हमारा SL हो गया। ठीक है, अब टारगेट कैसे पकड़ना है, टारगेट जो ये डाउनफॉल आ रहा है ना, ये जो डाउनफॉल पूरा आया है ना, ये डाउनफॉल का 50% आप टारगेट पहले पकड़ के रखना, पहला टारगेट हमेशा यही पकड़ेंगे इस डाउनफॉल का। मान लीजिए अगर ये डाउनफॉल कोई स्टॉक्स है, 1000 का स्टॉक्स है, अगर ये 20 रुपये गिरा है ना तो हम इसको 10 रुपये इसका पहला टारगेट पकड़ रहे हैं, 10 रुपये इसका पहला टारगेट पकड़ेंगे, दूसरा टारगेट 15 रुपये और तीसरा टारगेट यहाँ पे 20 रुपये। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो ये पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये हो गया कि इस पूरे डाउनफॉल का 50%। देखिए सबके लिए अलग अलग रूल्स है, बुलिश इनगल्फिंग के लिए मैं बहुत कैंडलस्टिक को ट्रेड करता हूँ और बहुत कैंडलस्टिक को मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर कैंडलस्टिक का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग उसके टारगेट निकल के आते हैं, अलग अलग SL भी निकल के आते हैं। तो ये नहीं कि एक कैंडलस्टिक देख लेंगे तो आप सारी कैंडलस्टिक को समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली और इस पूरे डाउनफॉल का 50% मेरा टारगेट होगा। हाँ, एक चीज और, अब मान लीजिए ये गिरते हुए, मान लीजिए 1000 रुपए का स्टॉक्स है और गिरते हुए ये 60 रुपए आ गया, तो इसका टारगेट आप 30 रुपए मत पकड़ना, तो टारगेट इसका 1% पकड़ना। ध्यान रखना, अगर ये गिरावट, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, ठीक है, कोई स्टॉक्स है, अगर ये गिरावट 2% से ज्यादा है तो टारगेट पहला 1% ही पकड़ेंगे। ध्यान से सुनो टारगेट को, नहीं तो टारगेट में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर ये कोई स्टॉक्स है जो कि 1000 रुपये का स्टॉक्स है और ये 2% से ज़्यादा गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट हमारा 1% के आसपास का रहेगा। अगर ये 2% से कम गिरा हुआ है तो पहला टारगेट हमारा 50% रहेगा इस गिरावट का। ध्यान रखिएगा, जो भी गिरा, मान लीजिए 15 रुपये गिरा है तो मेरा टारगेट यहाँ पे 7 रुपये होगा। अगर ये गिरावट 2% से ज़्यादा यानी 22 रुपये 23 रुपये की है, 1000 की स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो 22 रुपये 23 रुपये है तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा, यहाँ पे 10 रुपये होगा उस स्टॉक्स का 1% के आसपास का हमारा पहला टारगेट यहां पे रहेगा। ये होगा स्टॉक्स के लिए। अगर यही कंडीशन बैंक निफ्टी में बनी है, ध्यान रखिए, यही कंडीशन अगर बैंक निफ्टी में बनी है तो बैंक निफ्टी में मैं टारगेट परसेंटेज वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही पकड़ूंगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम स्टॉक्स में 1% का पकड़ के चल रहे हैं तो इसका हम 0.5% भी नहीं पकड़ के चल रहे, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में आपको 1% का जो रिवर्सल आएगा वो मिल जाएगा। यहां पे हम पहला टारगेट 100 का पकड़ रहे हैं, दूसरा टारगेट आप 150 का हम पकड़ेंगे और तीसरा टारगेट हम यहां पे 200 का पकड़ेंगे। अगर ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 40,000 का स्टॉक्स है, अगर ये यहां से 300 पॉइंट कंटिन्यू गिरते हुए आने के बाद अगर यहां पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है तो इसका पहला पॉइंट जो हम पकड़ेंगे वो 100 पॉइंट का पकड़ेंगे। ध्यान रखना, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 100 पॉइंट से लेकर के 120 पॉइंट का होगा, ये ध्यान रखिएगा। यही टारगेट
देखिए मैं टारगेट वो बता रहा हूँ ना जो आपको आसानी से मिलते हुए दिखे, वो टारगेट मत पकड़ो अरे यार ये तो बहुत छोटा टारगेट है, मैं 200 का पकड़ूंगा, तो जो टारगेट अचीव ही ना हो, जनरली तो बात है 300 जल्दी गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 200 गिरा, या मान लीजिए ये 150 पॉइंट गिरने के बाद, अगर 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिरने के बाद, देखिए गिरने की भी कंडीशन है तो पहले सुन लीजिए, 200 पॉइंट गिरने के बाद अगर बनाता है तो मैं टारगेट क्या रखूंगा यहाँ पे 0.33 का पहला टारगेट पकड़ के रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई, टारगेट बता दिया। अब एंट्री में एक कंडीशन और है, मान लीजिए ये सेकेंड कैंडल अगर ब्रेक नहीं करती है तो हमें क्या करना है, तो हमें दो कैंडल और वेट करना है, थर्ड सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसके बनने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ने, देखिए बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद अगर पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमने एंट्री ले ली, मान लीजिए पहली कैंडल ने एंट्री ही नहीं दिया आपको, तो क्या करनी है, सेकंड और थर्ड कैंडल तक हम वेट करेंगे, यानी अगर पहली ने एंट्री नहीं दी तो सेकंड और थर्ड एंट्री दे देनी चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। मान लीजिए थर्ड कैंडल एंट्री नहीं देती है और फोर्थ कैंडल एंट्री देगी तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग यही नहीं जानने की कोशिश करते हो कि कहाँ पे क्या नहीं करना, आप लोग को ये सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ध्यान है। अगर तीन कैंडल तक, ये अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये 5 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर तीन कैंडल तक इसने हमें एंट्री नहीं दी तो चौथी कैंडल में एंट्री आती है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। अगर मान लीजिए पहली कैंडल इसी जगह पे रही, सेकंड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और थर्ड कैंडल ने हाई को ब्रेक करके एंट्री दी, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है बिना एंट्री दिए हुए तो हमारा ये पैटर्न फेल हो गया, यानी ये पैटर्न हमारे काम का नहीं है, फिर नया हम ट्रेंड ढूंढेंगे फिर हम ट्रेड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सब रेड कैंडल ही हो, एक आध दो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ पे इस डाउनफॉल में अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। 7 कैंडल का डाउनफॉल का मतलब है कि 7 कैंडल नीचे की तरफ आती हुई होनी चाहिए। 7 कैंडल के डाउनफॉल के साथ में कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट भी होनी चाहिए। अब ये 7 कैंडल तो बन जाती है लेकिन ये गिरावट 90 पॉइंट की ही बनती है बैंक निफ्टी में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको, ये ध्यान रखिएगा। 7 कैंडल कंटिन्यू आ रही हो, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 7 कैंडल का डाउनफॉल मिला के 150 पॉइंट नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसको ट्रेड, बुलिश इंगल्फिंग को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये 150 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए तो ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। पहली कंडीशन 7 कैंडल बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन कि 150 पॉइंट भी होना चाहिए। ये दोनों प्लस है, ये ऑप्शन नहीं है, ये प्लस है, ऑप्शनल नहीं है कि ये या ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों प्लस करना है, यानी 7 कैंडल भी गिरनी चाहिए और 150 पॉइंट भी होना चाहिए। 7 कैंडल हो गई, 150 पॉइंट नहीं हुआ, बुलिश इंगल्फिंग बन गई, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 150 पॉइंट हो गया लेकिन 7 कैंडल नहीं बनी है तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ये कंडीशन है, चीज़ों को समझिए, ऐसे ही नहीं बुलिश इंगल्फिंग आप किताब से पढ़ के बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड करोगे तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली मैंने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जो कंटिन्यू मैं ट्रेड करता हूँ, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी, अगर ये स्टॉक्स है, पहले स्टॉक्स में 8 कैंडल तक बहुत अच्छा रिवर्ट करती है, अगर ये स्टॉक्स है तो कम से कम 9 कैंडल, ठीक है, 9 कैंडल या कम से कम 1.5%, ये ध्यान रखिए स्टॉक का, ये दो कंडीशन है, दोनों प्लस करनी है। अगर ये मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी में मैंने देखा, तो हमें कम से कम 7 कैंडल चाहिए और 150 पॉइंट चाहिए। अगर ये किसी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तो कम से कम 9 कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, या 9 कैंडल और 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। अगर 8 कैंडल बनी है और 1.5% गिरा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, हो सके मतलब लमसम कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 7 कैंडल ही बनी है और 1.5% बना, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, वो फेल होता, ज़्यादातर फेल हो जाएगा, यानी आपका फिर सक्सेस रेट फिर 50-50 हो जाएगा अगर आप 7 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल पर ट्रेड करते हो। तो 9 कैंडल कंटिन्यू आनी चाहिए, इस 9 कैंडल में 2 कैंडल ग्रीन भी बनेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैंडल, लेकिन फ्लो डाउनफॉल ही होना चाहिए, इसका जो मोमेंटम होना चाहिए वो डाउन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 9 कैंडल और 1.5%, ये होना चाहिए स्टॉक्स के लिए, समझ में आ रहा ना भाई, ये स्टॉक्स के लिए होना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, इसी बुलिश इंगल्फिंग को हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो कम से कम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो, मिनिमम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए और इसमें ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी। अगर 4 कैंडल पे ही देख रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट 4 कैंडल से गिरते हुए आया हुआ है और बुलिश इंगल्फिंग बनाया है,
तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे 7-8 कैंडल है, डेली चार्ट पे अगर देख रहे हैं, मान लीजिए डेली चार्ट पे अगर हमने देखा, डे चार्ट पे देखा, तो 4 कैंडल का डाउनफॉल हमें होना ही चाहिए, तभी हम उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। ये सारी चीजें डाउन ट्रेंड कब मानेंगे ना, वो बता रहा हूँ, 4 कैंडल का डाउनफॉल होना ही चाहिए। वो चाहे 2% में ही 4% हो जाए चलेगा, लेकिन 4 कैंडल का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए, यानी 4 कंटिन्यू रेड कैंडल होनी चाहिए, उसमें ग्रीन नहीं होनी चाहिए। 4 में आ रहा तो ग्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो 7-8 कैंडल का डाउनफॉल आ रहा, उसमें 1-2 कैंडल ग्रीन है, 2 कैंडल ग्रीन है, तब हम डेली चार्ट में उसको देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं मिनिमम पे बता रहा हूँ कि मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पे बुलिश इंगल्फिंग देख रहे हो तो, अगर आप स्टॉक्स पे देख रहे हो तो 9 कैंडल और 1.5%, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो 60 कैंडल का डाउनफॉल और 150 पॉइंट गिरा होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग को, तब आपकी ये बुलिश इंगल्फिंग जो है ना वो काम करेगी। दूसरी चीज, ये बुलिश इंगल्फिंग काम वहां पे करती है जहां पे सपोर्ट रहता है। अब देखो सपोर्ट कैसे, मान लीजिए ये बुलिश इंगल्फिंग कहाँ पे बन गई, मार्केट गिरते हुए आ रहा और ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई है 40,000 के आसपास, यानी 40,000, 40,050, 39,960 यहाँ पे बनेगी, तो ये वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ये राउंड लेवल जो होता है वो सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है, इस जगह पे वर्क करेगी, 40,000, 45,000, 35,000, 36,000, मतलब इस जगह पे जहाँ पे भी जाएंगे 41,000, 42,000, 40,500, 41,500 राउंड फिगर, यानी 500 वाले राउंड फिगर के पास अगर बैंक निफ्टी में बन रही तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा अगर ये 500 वाले राउंड फिगर के आसपास में कर रही है। दूसरा, या तो कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, पैरेलल लाइन का सपोर्ट हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, वहाँ पे बन रही है तो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगी, जबरदस्ती फ्लो में मत लेना। देखो, और अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो तो वहां पे मत ढूंढना बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग, कोई भी कैंडल, मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो, मान लो मार्केट में कोई न्यूज आ गई, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा, वहां पे बुलिश इंगल्फिंग नहीं ढूंढना है, वहां पे ये वर्क करेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। नॉर्मल मार्केट हमारा चल रहा है, जैसे कोई न्यूज व्यूज नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है, कंटिन्यू स्टॉक्स नॉर्मल चल रहा है, वहां पे हम ये सब सारी चीजें फॉलो करेंगे। जब कोई न्यूज आएगी ना तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सेंटीमेंट काम करता है वहां पे, ये ध्यान रखना, वहां पे काम करता है सेंटीमेंट। तो ये मतलब अगर आप ये मान के चलो कि 100 दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसमें से 8-9 दिन ऐसे भी मिलेंगे जो सेंटीमेंट वर्क करते हैं, तो वहां पे ये चीजें वर्क नहीं करती और आप लोग वहीं पे ये चीजें ज्यादा ढूंढते हो। ये भी ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड का SL भी है, ये SL छोटा सा SL होगा, उसका टारगेट बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना, तो SL पे निकल भी जाना है, बैठे नहीं, बहुत सारे लोग ट्रेड लेने के बाद SL कट जाता है फिर भी बैठे रहोगे, तो फिर बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ही नहीं है ना, आप उसके पूरे रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। रूल्स नंबर वन, अब पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, देख अगली जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग दोनों का आपको एग्जांपल भी चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है कि डाउनफॉल होना चाहिए, डाउनफॉल कितना होना चाहिए, अगर बैंक निफ्टी है तो कम से कम 7 कैंडल गिरते आनी चाहिए, डाउनफॉल होना चाहिए 7 कैंडल का और 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए, तब हम बैंक निफ्टी में इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये स्टॉक्स है तो 9 कैंडल कम से कम गिरे होनी चाहिए, मतलब मोमेंटम 9 कैंडल का जो होना चाहिए वो डाउन में होना चाहिए और प्लस में 1.5% स्टॉक गिरा होना चाहिए, अपने स्टॉक प्राइस का 1.5% गिरा होना चाहिए। अगर यही चीज़ हम डेली चार्ट पे फॉलो करते हैं तो कम से कम 4 कैंडल कंटिन्यू रेड बनती आनी चाहिए, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। इंट्री हमारी कहां पे होगी, इंट्री हमारी सेकंड लास्ट कैंडल यानी रेड कैंडल के ऊपर। अब मान लो कि ये रेड कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल से नीचे है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही कर लेंगे, कंडीशन तीनों मैंने बता दी। एक कंडीशन ये होगी कि ये रेड कैंडल हाई होगा तो हम जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तब बाई करेंगे, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये रेड कैंडल भी ग्रीन कैंडल से नीचे ही हो तो हम इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग कर लेंगे। सिचुएशन ये है कि अगर 3 कैंडल के अंदर में अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, 3 कैंडल से पहले अगर लो ब्रेक करके हाई ब्रेक कर रहा तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायन ब्लू, फायर, आईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हमारी ऐप आने वाली है, 2-4 दिन और लगेंगे, तो उस ऐप में आपको होमवर्क भी भेजना है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का आपको होमवर्क भेजना है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ वो रहेगी ना जब बुलिश इंगल्फिंग मार्केट में बन रहा है और उसका होमवर्क आप मुझे भेजो, तो मैंने अपने ऐप में एक होमवर्क का सेक्शन भी वहाँ पर रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग जो कैंडल मैं बता रहा हूँ या जो चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा उस चार्ट पैटर्न के लिए आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको हमारे ऐप में जाकर डाउनलोड करना है, ऐप 2-3 दिन और लगेंगे, मेरे ख्याल से बुधवार गुरुवार तक हो जाएगा, तो आप बुधवार गुरुवार को जाकर के वहां पे बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग का आपने जो ढूंढा हुआ है अपना नाम, ध्यान ये रखिएगा कि चार्ट पे उस चार्ट पे आपका नाम होना चाहिए, तो चार्ट पे आपका नाम जैसे कि चार्ट बना तो यहां पे आपका नाम हो तो वो चार्ट वहां पे अपलोड कर दो, आप लोग अपलोड कर देना अभी नहीं, मैं बताऊंगा
बताऊंगा जब ऐप लॉन्च होगा, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। दो तीन दिन और लगेंगे अभी ऐप के लिए, उसके बाद ऐप लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च हो जाएगी तो वहाँ पर आपको होमवर्क पोस्ट करना है, जिससे आप लोग के लिए आसान होगा और आपको लगेगा कि मैंने होमवर्क किया, वो होमवर्क कोई देख रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि किसका गलत है या किसका सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बुलिस इनगल्फिंग आप लोग को समझ में आ गई होगी। और जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, वो ऐप में फ्री उनको एंट्री मिल जाएगी। ऐप में फ्री एंट्री सबको मिल जाएगी, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अकाउंट ओपन किया है, जो प्रीमियम मेंबर हमारे होंगे उनको ही उस सेक्शन में एंट्री दी जाएगी। दोस्तों, ये बुलिस इनगल्फिंग की वीडियो आप लोग को कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो बेरिस इनगल्फिंग की जो है, मैं कल करीब 10 से 11 बजे अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। जब दोनों वीडियो का कॉम्बिनेशन देख लेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक डाउन ट्रेंड में मिलेगा, एक अप ट्रेंड में मिलेगा, तो आपको कम से कम दो कैंडल ट्रेड कर, देखिए जब तक किसी कैंडल पर आप कम से कम 40-50 ट्रेड नहीं लोगे ना, वो कैंडल आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो पहले पैसा मत ढूंढो, पहले प्रैक्टिस ढूंढो, एक्सपीरियंस ढूंढो, कॉन्फिडेंस ढूंढो, तब पैसा यहाँ पे बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।